कसरावत के ग्राम पानवा स्थित पीडीपीएल फैक्ट्री में 700 से ज्यादा श्रमिकों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर मुख्य गेट के सामने धरना दे दिया है। श्रमिकों का आरोप है कि प्रबंधक के द्वारा कम मजदूरों से 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है और वेतन कम दिया जा रहा है। श्रमिकों ने बताया कि प्रबंधक द्वारा 3 साल से लगातार श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। महिला श्रमिकों के साथ प्रबंधक के जवाबदार अधिकारियों के द्वारा बदसलूकी की जाती है। फिलहाल कंपनी 2 दिन से बंद पड़ी है। वहीं कंपनी प्रबंधक का कहना है कि किसी भी श्रमिक के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया। मेन पावर वाली यदि बात है तो उक्त समस्या का समाधान चर्चा करके कर सकते हैं। 3 साल से परेशान कर रहे हैं कंपनी में, और जो 3 लेडीज करते हैं वहाँ पे 1 लेडीज पे काम करवा रहे, और जहाँ पे 5 की जरूरत है वहाँ पे 4 करवा रहे, और 3 लेडीज उन पे काम करवा रहे, बोतल भी भरवा रहे, ऐसे परेशान करते हैं। पानी पीने कैसे जाएंगे, और प्लेट ऑन भी खिंचवाते हैं, प्लेट ऑन खिंचवाने के बाद बोतल लगवाते हैं, तो प्लेट खिंचेंगे कि बोतल निकालेंगे कि लगाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे परेशान कर रहे। और सर लोग को बोलने जाते हैं तो बदतमीजी से बात करते हैं, बोले कि बाहर निकाल देंगे, ऐसे बोलते हैं। एक लड़के से बाघ से भी उठवाते हैं, लेबल भी लगाते, प्लेट ऑन भी निकालवाते हैं, तो एक लड़का क्या क्या करेगा। वहाँ पे 2 लड़के दिए जाते हैं, एक लड़का सीधा कम कर दिया जाता है। तो इस संबंध में आपने प्रबंधन से बात की क्या? करी थी सर, वो मान नहीं रहे। क्या कहना पड़ रहा है? बोले करना हो तो करो, नहीं तो गेट से बाहर जाओ। मतलब आपकी मुख्य समस्या ये है कि यहाँ कम वर्करों से अधिक काम ले जा रहा है, अत्याचार से काम करवा रहे हैं। बातचीत चल रही है, कल भी पॉजिटिवली बातचीत हुई उनसे। एक्चुअली में क्या होता है कि वर्कर असंतुष्ट एक मैन पावर की वजह से थे कि मैन पावर कम की गई है, पर एक नॉर्मल प्रोसेस होती है उसमें यह रहता है कि कोई हम नई मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उस पर हम स्टार्टिंग में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम उसको प्रॉपर वे में चलने के बाद में क्या होता है कि आदमी जब सीख जाता है उस पर प्रॉपर वे में तो वहाँ पे संभावना देखी जाती है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। वैसे भी हमारी कंडीशन आज की डेट में हम सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, हम उस हिसाब से प्लांट को मैनेज करके चल रहे हैं, और वहाँ पे हमें संभावना दिख रही थी कि यहाँ पे एक मैन पावर कम की जा सकती है। और वैसे भी हम मैन पावर कम करते हैं तो उस मैन पावर को हम दूसरी जगह काम देते हैं, हम ऐसा नहीं कि उस मैन पावर को हम कुछ वो कर देते हैं, हम उसे दूसरी जगह काम देते हैं और काम चलाते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि वहाँ पे जितने स्टार्टिंग में दिए थे उतने ही आज भी चलते रहे। इस विषय में भी हमारी बातचीत हुई थी, उनका पॉजिटिवली सुबह भी बातचीत हुई और उनसे बोला भी गया है कि ठीक है, हम जो भी वो बात है जहाँ दिक्कत आ रही है उसको अपन समझते हैं, उसका हल निकालते हैं, वो हमने किया है और चल रही है बात वो आगे। मतलब कहना का यह है कि जल्दी जो श्रमिकों की मांग है उसको मान ली जाएगी। हाँ, श्रमिकों को बता दिया गया है कि आप चलो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करते हैं, आप काम पे चलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लेडीज जब 5 देते वहाँ 4 देते, लेडीज से तो कब तक बॉटल भरेगी ना, कब तक क्या पानी पीने जाती है, तो लेडीज से परेशान होती है और दरा धमकाते, बदतमीजी से बात की जाती है, धमका के काम किया ले लेते, मतलब 12 घंटे का काम 8 घंटे में खिंचाते है लोग हैं और जाले खिंचवाते हैं, और हमको ज्वाइन लेटर भी चाहिए और हमारा पीएफ स्लिप भी चाहिए, और हमारे से जो काम करवा रहे हैं वो हमको नहीं करना, और जितनी लेडीज हमने पूरी थी पहले से वैसे ही 18 ही लेडीज से होना चाहिए। 18 लेडीज से कहाँ पर लगती है? पूरी लाइन में लगती है 18 लेडीज, शुरू से लगा के आखिरी तक। 12 घंटे जबरदस्ती काम करवाया जाता है और 8 घंटे का वेतन मिलता है, और वेतन भी आधे लड़कों का नहीं डाला, जैसे मनोज धनकर है इसका वेतन आज से 3 महीने पहले का भी नहीं डला हुआ है और इसको निकाल दिया गया बाहर, और हमको हॉलीडे की छुट्टी भी नहीं मिलती है, और 30 दिन पूरी कभी कभी चल जाती है, और कभी कभी तो 15 दिन भी नहीं, 8 ही दिन चलती है, और हॉलीडे के या हमको कुछ भी पैसे मिलते नहीं है, जो सरकारी छुट्टी रहती है उनके पैसे नहीं मिल पा रहे।